सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको मांगलिक मुद्रा बतलाने जा रहा हूँ। आपने ज्योतिष में मांगलिक दोष सुने होंगे। उस दोष के निवारण के लिए योग में मांगलिक मुद्रा, वैसे ज्योतिषी उपाय तो ज्योतिषाचार्य जो हैं वे बताते हैं, वैसे अधिकतर ज्योतिषाचार्य इस बात से सहमत हैं कि यदि लग्न भाव में या चतुर्थ भाव में या सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में, इनमें यदि मंगल स्थित है तो वह मांगलिक दोष है, और यदि वह मजबूत है तो मांगलिक दोष बढ़ सकता है। जिससे जो लोग इसे दोष मानते हैं, जो दोष नहीं मानते हैं उनका कहना है कि यह मजबूत मंगल कोई दोष नहीं होता है, और बल्कि उसमें वह शक्ति मिलती है। तो अधिकतर जो ऐसे होते हैं वे थोड़े गुस्सेल स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा अभिमानी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, ज़्यादा कामुक होते हैं, तो इस तरह की बातें आती हैं। परंतु इसका इसे कोई दोष माने या ना माने, परंतु मंगल की यह स्थिति हम मांगलिक मुद्रा से दूर कर सकते हैं। तो उसी मांगलिक मुद्रा का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ लोग पंचम भाव भी मानते हैं, लेकिन पंचम भाव में अधिकतर लोग सहमत नहीं हैं। अधिकतर लोग तो इन्हीं भाव में सहमत हैं, 1, 4, 7, 8, 12 में। तो अब यह जो मांगलिक मुद्रा है इसका निदान कर देता है इस दोष का। तो इस मुद्रा को अब आप देखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो यदि आपका मांगलिक दोष है तो जो मांगलिक मुद्रा है वह यदि आप करेंगे तो वह दोष दूर हो जाएगा। योग में उस दोष को दूर करने के लिए मांगलिक मुद्रा है, इसमें देखिए आपको क्या करना है। बाएं हाथ की जो अनामिका उंगली है उसको आपको मोड़ करके ये जो अंगूठा है इसकी जड़ के पास रख देना है। और दाया हाथ की जो अनामिका उंगली है उसको मोड़ करके ठीक उसी के जड़ के पास रख देना है, थोड़ा सा कोण बनाते हुए इस तरीके से। ये थोड़ा सा कोण बनाते हुए इधर दाएं हाथ के और बाएं हाथ की उंगली इधर स्थिर बैठ जाना है। किसी भी ध्यान मुद्रा का, ध्यान आसन का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आप पद्मासन लगा सकते हैं, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, स्वस्तिकासन। तो अब इस मुद्रा में बैठ गए स्थिर होकर के, अब इसमें कपाल भाति प्राणायाम करेंगे। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे और कपाल भाति प्राणायाम करेंगे।
108 बार तक करेंगे। इतने से ही आपका मांगलिक दोष दूर हो जाएगा। 108 बार करना है और सांस को आप झटके से बाहर फेंकेंगे, हवा स्वतः भरेगी, आपको सिर्फ फेंकने पर जोर लगाना है, नाभि पीछे चली जाएगी। तो इस तरह से कपालभाति प्राणायाम इस मांगलिक मुद्रा के साथ करने से मांगलिक दोष दूर होते हैं। हालांकि बिना प्राणायाम किए हुए भी यह जो मुद्रा है दोष दूर करती है, लेकिन मान लीजिए कि यह 50% है, 50% तो आपको वह जो कपालभाति प्राणायाम है वह बहुत जरूरी है। तो इसको आप प्रातः काल करें और शाम काल भी कर सकते हैं, लेकिन शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद ही करेंगे। दोनों ही समय खुले स्थान पर और साफ सुथरी जगह पर कंबल दरी बिछा करके ही इसे करेंगे। योगा मैट पर भी कर सकते हैं और 108 बार करने में आपको जितना समय लग जाए तो उस आधार पर आपको करना है। स्थिर रहते हुए करेंगे और यह कब तक करना है, तो जब तक आपको अपने दोष की निवृत्ति नहीं मालूम पड़ने लगे तब तक आप करेंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों की कुंडलियों में अलग अलग तरह की वो दोष सीमा होती है। तो वैसा आप देख लेंगे कि जब से जब पीरियड तक आपका मांगलिक दोष उभर के आ रहा होगा तब से इसको करें। ओम।